मोदी सरकार भारतीय नौसेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका से 24 बहुभूमिका वाले MS-60 रोमियो पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर खरीद रही है। इस सौदे का करीब $2 अरब में होने का अनुमान है। रक्षा उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत को एक दशक से अधिक समय से भी इस तरह के हंटर हेलीकॉप्टर की जरूरत थी। पीटीआई सूत्रों के मुताबिक हाल ही में सिंगापुर में अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बैठक के बाद हेलीकॉप्टर सौदे को कुछ महीनों में ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मोदी सरकार 24 बहुभूमिका वाले हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो सीहॉक की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अमेरिका को अनुरोध पत्र भेज दिया है। हाल के महीनों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा समझौतों में तेजी आई है। अमेरिकी सरकार ने भारत की रक्षा आवश्यकताओं के मद्देनजर अपने उच्च तकनीक सैन्य उपकरणों के दरवाजे खोल दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक MH-60 रोमियो सौदा ऑफसेट आधार पर होने की संभावना है। भारत की योजना अपनी दीर्घकालिक योजना के तहत भारत में ही 123 हेलीकॉप्टरों के विनिर्माण की है। इस सौदे से भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार बढ़कर $20 अरब से ऊपर चला जाएगा।